तो देखिए, अगर आप लोग भी सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट ओपन करते हो एक्सिस बैंक का, पे नियर बाई या फिर स्पाइस मनी किसी भी पोर्टल के माध्यम से, तो बैंक ने जो एडवाइजरी जारी की है, जो सूचना दिया है, उसे आप लोग को जरूर सुनना चाहिए। इस वीडियो में मैं आप लोग को बहुत ही जरूरी अपडेट देने वाला हूँ, अदरवाइज आप लोग 31 मार्च 2023 के बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। परेशान होने की बात यह है कि आप लोग के पास जो एक्सिस बैंक का सेविंग अकाउंट ओपन करने का जो ऑप्शन है, यानी कि एक्सिस बैंक का जो बीसी आपके पास मिला हुआ है, वो आप लोगों से छीन लिया जाएगा। यहाँ पर देखिए डेट क्लियर है, तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरा देखना है, जिससे आप लोग को क्लियर समझ में आए कि एक्चुअली में होने वाला क्या है। तो देखिए, जो एक्सिस बैंक का बीसी है, नॉर्मली अगर आप लेने चले जाइए बैंक का बीसी, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आप लोगों के पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का, यानी कि IIBF का सर्टिफिकेट होना आपके पास बहुत ही जरूरी वहां पर हो जाता है। लेकिन यहां पर जो पेनियर भाई और स्पाइस मनी के हमारे रिटेलर भाई लोग हैं, बस केवल ये लोग जो बिजनेस का क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है, जैसे उसे क्रॉस कर ले रहे हैं, तो इन लोगों को एक्सिस बैंक का बीसी यहाँ पर दे दिया जा रहा है, यानी कि अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन दे दिया जा रहा है, जहाँ से अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं किसी भी कस्टमर का, जिसके बदले में उन्हें कमीशन भी मिलता है। तो यहां पर देखिए, ये गजब का अपडेट आ रहा है, जो कि बैंक की तरफ से एडवाइजरी जो है जारी किया गया है, निर्देश दिया गया है कि जितने भी हमारे सीएसपी संचालक या फिर जितने भी स्पाइस मनी या फिर पेनियर भाई वाले हैं, ठीक है, जो लोग कि एक्सिस बैंक का सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं अपने पोर्टल के जरिए, अपने मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए, तो उन लोगों को क्या करना है कि 31 मार्च 2023 से पहले वो लोग अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का, जो कि कुछ इस तरीके का आप लोग को पता होना चाहिए, कुछ इस तरीके का ये सर्टिफिकेट होता है, इसका एग्जाम दे करके, ठीक है, आप लोग इसका सर्टिफिकेट ले लीजिए और इसे सबमिट करना पड़ेगा एक निश्चित समय के बाद। अदरवाइज आप लोग का 31 मार्च 2023 के बाद आप लोग को जो मिला है सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन, इसे बंद कर दिया जाएगा। तो आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है, और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने जिन सारे कस्टमर का एक सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट ओपन किया है, देखिए वो केवल आपको जानता है। आपके एरिया में अगर एक्सिस बैंक नहीं है तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो बंदा केवल आपको जानता है। इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी अगर शिकायत होती है, छोटी सी भी शिकायत होती है, तो वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, वो आपसे मिलेगा। लेकिन जब आपके पास से बैंक बीसी छीन लिया जाएगा, तो आपके पास कोई भी रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, यानी कि आप कुछ भी उसमें रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। तो ये आपके ऊपर कस्टमर का ट्रस्ट छूटेगा, और ट्रस्ट छूटने की वजह से आपके बिजनेस के ऊपर भी काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए समय रहते आप लोग काम कीजिए कि आप लोग IIBF के वेबसाइट पर जाकर के वहां से आप लोग इसका रजिस्ट्रेशन कीजिए, इसके बाद एग्जाम डेट सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद जाकर के इसका एग्जाम देकर के इसे क्लियर कर लीजिए। रही बात सिलेबस के लिए, तो सिलेबस आप लोग को YouTube पर भी मिल जाएगा या फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप लोग को सिलेबस मिल जाएगा। आप लोग जितना जल्दी प्रिपरेशन कर सकते हो उतना आपके लिए बेहतर है। देखिए टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, ठीक है, जिसमें आप लोग को प्रिपरेशन भी करना है और एग्जाम भी देना है और ये सर्टिफिकेट को भी फाइंड आउट करना है। और वैसे तो अगर स्पाइस मनी पोर्टल की बात करें, तो स्पाइस मनी में ऑलरेडी आप लोग के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन आ जाता है, बार बार ऊपर में आप लोग को पॉपअप आ जाता होगा नोटिफिकेशन बार में, जहाँ से आप लोग IIBF के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। देखिए ये बहुत जरूरी है जिन भाइयों के पास सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन है, अदरवाइज इन फ्यूचर आप इस सर्विस से, इस पोर्टल से आप लोग वंचित रह जाएंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।